गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू न्यू डे न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है क्योंकि जल्दी जल्दी मैं स्टार्ट कर दिया। अभी मैंने आया, अभी नहीं नहाना भी है मैंने, तो अभी ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है क्योंकि अभी लगाने लगी हैं ये स्टिकर्स लैपटॉप पे। ये देख दो, लैपटॉप कितना गंदा हो चुका है। इससे थोड़ा बहुत ये साफ सुफ भी रहता है। वैसे कोई मन नहीं था लगाने का, पर चलो बच्चों की जिद होती है लगाने की, चलो लगा देते हैं। इसलिए तो मेरे लैपटॉप पे ऐसे स्टिकर्स लगे हुए हैं, तो मेरे छोटे भाई ने लगाए थे, मैंने देखा था लगाना था, पर तो ये बच्चों को क्या ही कह सकते हैं। तो इसमें से ये सारे निकले हैं, वन पीस के हैं, नारुतो के हैं। वैसे वन पीस ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने स्टिकर्स लगा दिए, आप देख सकते हो। इससे दो फायदे होते हैं वैसे तो, एक तो आपका लैपटॉप डिज़ाइनर सा बन जाता है, और बाकी स्क्रैचेस व्रूचेज भी नहीं पड़ते। अगर स्क्रैचेज है वो तो छुप जाते हैं वो, ये फायदा है इसका। बाकी इसके ऊपर लैमिनेशन करा देना कि उतरे भी ना। अगर आपका स्क्रैचेज व्रूचेज है तो वो छुप जाएंगे, और अगर नहीं है तो स्क्रैचेज डलने से बच जाएंगे आपके लैपटॉप पे। तो उसके लिए फ़ायदा है ये वाला करने से, और थोड़ा आपका लैपटॉप डिज़ाइनर भी हो जाता है, कलरफुल हो जाता है, बस ये है ओके। और ये गाइस हमने अमेज़ॉन से मंगवाया था पैकेट, दो पैकेट मंगवाए थे वाले। ये आपका यहाँ पर 900 लिखा हुआ है, वैसे 400 रुपये के पैकेट थे, और यही इसी ब्रांड के मंगवाना है। तो इसी से मंगवाना आप, क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी है स्टिकर्स की। मैंने पहले भी मंगवाए थे, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, उनकी क्वालिटी अच्छी है स्टिकर्स के। तो अपने आगे लैपटॉप पे लगाने, कहीं भी लगाने, तो इनसे मंगवाना आप अमेज़ॉन से, तो अच्छी है इनकी क्वालिटी। तो गाइस अभी हो गए हैं नहा धो के रेडी शेडी, और अभी मुझे फ़ोन आया है स्टोर से, क्योंकि पापा अभी स्टोर पर हैं, और अभी डिमेंश कंपनी वाले आए हुए हैं, तो उनके लिए लेके चाय पानी लेके चलते हैं, और अभी बताएंगे सारा स्टॉक स्टॉक कैसे होगा। मुझे नहीं पता कैसे होगा। यार देखो ये डिमेंश की टी शर्ट डाली है गाइस मैंने, ये वाली थोड़ी ओवर साइज़ है वाली मैंने डाली हुई जिनसे, और अच्छी है, स्टफ अच्छा है। सीरियसली बता रहा हूँ, ये बात नहीं है मैंने रखी है, ब्रांड रखा है ऐसे, मतलब इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं ये स्टफ सीरियसली स्टफ अच्छा है इसका। और अभी मुझे फ़ोन आया था, तो मैं सोचा आपको बता दूं कि अभी जो मैं 3-4 दिन जिम नहीं जा रहा, तो हमारा ट्रेनर कहीं गए हुए थे, तो आई थिंक वो मंडे को आ जाएंगे। तो मंडे से हम रेगुलर, आई थिंक मेरे फ्रेंड्स भी एक दो जिम लगने लगे हैं मेरे साथ, तो शायद हम रेगुलर ही जिम जाएंगे हर मंडे से, मतलब मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो रेगुलर जिम जाने की कोशिश करेंगे अगर किसी ने छुट्टी नहीं मारी। और ऐसा नहीं दोस्तों कि मुझे जिम का बहुत शौक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ऐसा होता है कि यार थोड़ा सा हम घंटा जिम जाए, थोड़ा बॉडी हिलती रहे, थोड़ा मसल्स स्ट्रेच रहे, बॉडी हिलती रहे, बस और ऐसा है। कि ये क्या है वैसे? मामाअर्थ। अच्छा मामाअर्थ था, ओके। अभी दोस्तों इसको खोल के देते पापा ने क्या मंगवाया इसमें से। एक जहाँ तक लग गया डब्बे बढ़ गया। देखिए क्या क्या है गाइस बीच, क्या पैकिंग है। मैं तो शैम्पू मंगाया पापा ने, ओके। चलो भैया अभी हम चलते हैं स्टोर पे। चलो भी चल है, आप चलिए हम, नहीं रहने दो, ठीक है आगे चल, ठीक है। हाँ हाँ ले जाना, बिल्कुल ऑरेंज सीगा नहीं, प्लीज प्लीज सर प्लीज। कंग्रेचुलेशन सर, डिमांड्स थ्री एंड तो गाइस अभी केक काट के फ्री हो गए हैं, और कंपनी वाले चले गए हैं, और अभी हम घर जाने लगे हैं। घर पे आज स्पेशल आपको मैं रेसिपी बताऊंगा, बहुत ही बढ़िया घर पे बनाने की। वो क्या चीज़ है मैं आपको भी घर पे जाके बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, घर पे जाके बताऊंगा वो क्या चीज़ है। गाइस अभी घर पे पहुंच चुके हैं, और मैंने सारा सामान ले लिया है, और अभी घर पहुंचे हैं, और ये देखिए ये आप देख सकते हैं, और ये देखा हुआ लगा पिज़्ज़ा बनने लगा है, और ये हम बनाएंगे तवे पे, बहुत क्रिस्पी और बढ़िया बढ़िया बनता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। तो गाइस अभी नहा धो के हो गए हैं फ्रेश, और अभी यहाँ पर पिज़्ज़े की हो रही है तैयारी। ये सारी चॉपिंग्स हो चुकी है वेजिस की, और ये रही अपनी सॉसी जो उनसे डालनी है, वो आप जो मर्जी डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। और बाकी ये रहा पिज़्ज़ा, और इसमें हम पैन आपको बताऊंगा मैं कैसे लगाने हैं इसके, वैसे इतना मुझे नहीं पता, मम्मी ने बताया, बस वो आपको बता रहा हूँ आगे। तो ये गाइस चीज़ है, कभी कभी हम ये चॉप्ड वाला भी ले आते हैं, अमूल की आती है वो बड़ी सी पैकिंग, तो आज वो नहीं मिली तो हम ये लिया है। इसमें आपको आप कटिंग कर सकते हो, कॉर्न्स है, पनीर है, टमाटर है, ये शिमला मिर्च है,
प्याज है, बाकी आप जो उनसे आपको चाहिए वो आप अलग से अपनी मर्जी से कोई भी डाल सकते हो। उन्होंने ऊपर सॉसेज लगाती है, यहाँ दो सॉसेज लगा के उसके बाद ऊपर टॉपिंग्स रखती है पर चंगी तरह। तो दोस्तों आज पिज्ज़ा घर पे बनाने के दो तीन कारण थे, जिसमें से एक कारण तो ये था कि बाहर का तो हम खाते रहते हैं तो आज मन था कि घर पे बनाते हैं। दूसरा कारण ये था आपको दिखाना थी रेसिपी जो सीता भी अली मुझे मतलब नहीं पता लगी है, पता नहीं आपको शायद पहले से बताओ मुझे बतानी। और तीसरा कारण ये था घर पे बनाओगे जितने मर्जी टॉपिंग्स आप डाल सकते हो, हैवी वेट पिज्ज़ा बना सकते हो, जितना मर्जी आप वेजिज डालो जो मर्जी डालो आपकी मर्जी है, इसलिए आज घर पे बनाने का मन था। गाइस ये रख दिया है हमने पिज्जा, इस पे ये स्ट्रेटेजी है कि आपने नहीं, हमने नीचे रखा यहाँ पर सिंपल वाला तवा और इसके ऊपर रखा है नॉन स्टिक तवा और उसके ऊपर ही हमने बंद कर दिया है जिससे अच्छी तरह से इसके अंदर हीट चल जाएगी, गर्म हो जाएगा। तो ये है स्ट्रेटेजी इसका कि पिज्जा बनता है घर पे बिना ओटीजी के कुछ भी और इसका एंड क्रिस्पी बढ़िया पिज्जा बनता है। देखो जी एंड क्रिस्पी भाई आ गया है दूजा, तुम्हें वो दिखाओ क्रिस्पी कितना क्रिस्पी दिखाओ। वाजी भी अपने वास्ते बन रहा है चीज बर्स्ट वाला, ये खोल के एक्सपेरिमेंट करने लगी है पिज्जा नु, जिसमें लगता है बन जाएगा बढ़िया वाला, देखते हैं बाकी चीज बर्स्ट वाला टाइप। ये तो टूट गया। लवी गाइस बन चुके हैं हमारे पिज्जाज फुली लोडेड टाइप्स और क्रिस्पी और ओरिगैनो पा दे ते चिली फ्लेक्स भी पा दो जी दे ते ते ये बनिया नहीं ना एडा ओला सीगा लोडेड टाइप्स है ना लोडेड टाइप बनिया है ना चीज बस्ट बनिया थोड़ा बहुत चीज बस्ट चलो वधिया ते बाकी आएगा हुन आपा शकिए नु गाइस अभी नेटफ्लिक्स और चिल होने वाला है। गाइस अभी डिनर करके पेट हो गया है फुल और फिर भी मुझे हैवी नहीं फील हो रहा, जबकि मैंने एक पिज़्ज़ा भी पूरा नहीं खाया है, इतना कैपेसिटी नहीं होती है, थोड़े बहुत पीस खाए और बस मज़ा आ गया। और आज इससे होता है आज का व्लॉग एंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट बाय टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।